उस दिन तो 2 घंटे में ही वापस आ गए, तो वहां पर ही टर्म सुनने को मिली कि नाइट आउट। साइबर कैफे के अंदर आप बैठो, बाहर से वो शटर डाल के ताला लगा के चला जाएगा, सुबह 6 बजे आके खुलेगा, तब आप बाहर निकलोगे। तो मैंने कहा यार अब एक नाइट आउट हो जाए। कोटा में थे तो एक बार ये चस्का लग गया था, कई कई रातें साइबर कैफे में गुजारनी स्टार्ट कर दी थी। मतलब वो होता ना एकदम ट्रैक ही चेंज हो गया था अपने आप को। कभी भी आप देखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है वो इतने सज्जन हैं या फिर आपके सामने कभी गलत रास्ता नहीं आएगा, आएगा भी और कुछ लोग उस पे चल भी पड़ेंगे। और जब आप चल पड़ोगे तो आपको एक एहसास हो जाएगा कि यहाँ भी अब हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ, एक बार टेस्ट हुआ, उसके बाद में हम लोग सब इकट्ठे होके, वैसे तो क्या होता था कि उस दिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ये रूल होता था कि शाम को बैठ के बातें कर रहे हैं। एक ऐसे ही खुराफात, हमेशा ध्यान रखना जो भी गलत चीज स्टार्ट होती है वो ऐसी खुराफात से ही स्टार्ट होती है। ऐसी खुराफात के लिए बोले चलो यार साइबर कैफे चल के देखते हैं वहां क्या होता है। तब तक कोई गेम वेम नहीं खेलना आता था ऑब्वियसली, क्योंकि हॉस्टल में रहे हैं तो हॉस्टल में आपको कंप्यूटर एक्सेस नहीं होता था। आप जो भी गेम्स खेलना जानते हो वो बैडमिंटन हो गया, टीटी हो गया, क्रिकेट हो गया, वो सारे ग्राउंड वाले गेम आप जानते हैं, आप ऑनलाइन कुछ नहीं जानते। तो गए, अब वहां आप सीन देखो, अंदर घुसते ही इधर 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, इस तरफ 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, सब बच्चों ने हेडफोन लगा रखे हैं, सर्वर बना के एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, यहाँ मिल गया इसको मारो और सब चल रही है बातें। देख के बड़ा अजीब सा लगा हुआ, और एसी वेसी चला रखा है, सामने चिप्स कुरकुरे रखे हुए हैं, आप खाइए, फाइनली बाहर जाते वक्त आप बिल पे कर देना। तो ये सब चीजें वहाँ अरेंजमेंट देख के बड़ा अच्छा लगा। और काउंटर स्ट्राइक उस टाइम भी चलता था, एक और गेम चलता था वो, उसमें फौज बना के दूसरे पे अटैक करते हैं, वो तो अभी भी चलता है शायद। तो वो 2 टाइप के गेम थे, पर वो समझ में नहीं आया फौज वौज कैसे बनानी है, तो हमने कहा यार ये ट्राई करते हैं। अब सारे जितने भी थे सबके सब 9 सीखे, तो आराम आराम से वहां जाके ग्रुप ग्रुप बना के खेलना स्टार्ट किया, मजा आया। उस दिन तो 2 घंटे में ही वापस आ गए। फिर एक बार अगला टेस्ट हुआ, तो वहां पर ही टर्म सुनने को मिली कि नाइट आउट। उसमें क्या होता है, साइबर कैफे के अंदर आप बैठो, आप पूरा चार्ज करो कितने कंप्यूटर आप यूज करने वाले हो, बाहर से वो शटर डाल के ताला लगा के चला जाएगा, सुबह 6 बजे आके खुलेगा, तब आप बाहर निकलोगे, फिर जाके आप पीजी में सो जाओ। तो मैंने कहा यार अब एक नाइट आउट हो जाए। अब वो जब नाइट आउट हुआ तो भैया उसमें फिर खेल ही रहे हैं, चिप्स कुरकुरे पेप्सी वेप्सी चल रही है, उस चक्कर में जो है वो और डाइवर्ट हो गए। फिर ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए वो साइबर कैफे वाले, उसके बाद में समझ में आ गया कि अपना जोन नहीं है, कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि टाइम वेस्ट ही हुआ जा रहा है। कोई भी चीज आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती जाए और आप उसमें खींचते चले जाओ, और आपको पता है कि वो चीज गलत है, तुरंत छोड़ देनी चाहिए। छोड़ने का ही तरीका होता है, बोले मैं नहीं जाऊंगा बस, और उसमें कोई और गणित नहीं है, वही किया। फिर फाइनली कॉल आने लग जाते हैं, वहां पे जाते हो आपको ग्रुप बन जाता है, भाई फ्री है क्या, आजा 10 मिनट के लिए, आजा आधे घंटे के लिए आजा, कोई बात नहीं। तो वहां से निकलना पड़ता है, बोले नहीं आऊंगा, बहाना मार दो, फिर बार बार रिपीटेडली मना करो, काम खत्म। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, स्थिर दिमाग, कूल, काम एंड कंपोज की मुझे यही करना है। हर अपने बीते हुए दिन की एनालिसिस